नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा माथे पर तिलक लगाए जाने को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया है, उसके बाद बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम लोग अब विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। आज पटना की सड़कों पर बीजेपी से बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी और बीजेपी के तमाम जो नेता थे, साथ ही साथ बीजेपी के फायर ब्रांड युवा नेता कल्लू सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जमकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, टीका लगाए जाने को लेकर जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने बयान दिया था, तो पटना की सड़कों पर घूम घूम कर तमाम जो राहगीर थे उनको टीका भी लगाया गया। इस टीका लगाए जाने के बाद जगदानंद सिंह का जमकर विरोध भी हुआ है। इतना ही नहीं, तमाम जो बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जगदानंद की तस्वीरों को जलाया है और चप्पलों से उन पर प्रहार भी किया है, यानी कि उनकी तस्वीरों को चप्पलों से मारा भी गया है। इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं कल्लू, और साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं, और उन्होंने किस तरीके से जगदानंद सिंह का विरोध क्या है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया था। इस विवादित बयान के बाद से बिहार की राजनीति में खूब हो हल्ला हो रहा है। इतना ही नहीं, जगदानंद सिंह से जब कल पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जगदानंद सिंह ने पत्रकारों का माइक फेंक दिया। आपको बताएं, जगदानंद सिंह ने अपने भाषण में आरएसएस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने से काम नहीं चलेगा, बना लो मंदिर और तोड़ लो मस्जिद, इससे भारत नहीं चलने वाला है। उनके बयान पर विवादित बढ़ने के बाद पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मेरे आप अपने साथी से बात कर रहा था, इसमें किसी को क्या ऐतराज है। इसके बाद उन्होंने रिपोर्टरों का माइक भी झटक दिया है। कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे, 2020 के विधानसभा को याद कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने बता दिया कि बिहार में कौन राज कर सकता है। हो सकता है तकनीकी कारणों से या बेईमानों से बात नहीं बन पाई थी। जगदानंद ने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा था कि तेजस्वी के फैसले को और मजबूती से आगे ले जाना है, मुल्क की समस्या और अपनी समस्या में ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसी कार्यक्रम में उन्होंने बातों ही बातों में तिलक लगाने वाले और साथ ही साथ जो सनातन धर्म है उसके विरोध में विवादित बयान दे दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उसके बाद जो खड़गे हैं उनके बेटे, और डीएमके के जो डी रजा हैं उनके संबंधियों ने भी सनातन धर्म पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद अब देश भर सहित बिहार के बीजेपी का विंग्स जो है वो गर्माया हुआ है, और जगदानंद सिंह का जमकर विरोध पटना की सड़कों पर देखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।